Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, I'm going to discuss some multiple choice questions जो कि हिमाचल प्रदेश के different competitive exams में पूछे गए हैं. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got the notification. So आज का जो हमारा पहला question है, that is In which year Himachal Pradesh Tourism Development Corporation was constituted? इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कौन से वर्ष जो है टूरिज़्म डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है वो स्थापित किया गया. पहला ऑप्शन है हमारे पास 1972, दूसरा है 1976, तीसरा है 1982 और चौथा है 1987. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1972 को जो है हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसको एस्टैब्लिश किया गया. नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाय व्हाट नेम हिमाचल प्रदेश इज़ नोन इन टूरिज़्म मैप. टूरिज़्म मैप में हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? पहला है देवभूमि, दूसरा है पुण्य भूमि, तीसरा है ताबो भूमि और चौथा है आर्य भूमि. सो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ देवभूमि, ऑप्शन ए. Moving further, now we have question number third. When was passed first land reform and large land holding abolishment act in Himachal Pradesh? Himachal Pradesh mein pehla land reform aur large land holding abolishment act ko kab pass kiya gaya? Pehla option hai hamare paas 1952, dusra hai 1953, tisra hai 1955, chautha hai 1956. So iska jo right answer hai that is 1953 B. इसका राइट ऑप्शन है पहली बार जो हिमाचल प्रदेश में लैंड रिफॉर्म एक्ट या कहें फर्स्ट लैंड रिफॉर्म एक्ट एंड लार्ज लैंड होल्डिंग एबॉलिशमेंट जो एक्ट है वो पास किया गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परशुराम अवार्ड इन 1987 में जो परशुराम जो अवार्ड है जो कि स्पोर्ट्स में दिया जाता है हिमाचल प्रदेश में, वो फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने ये रिसीव किया? पहला ऑप्शन है हमारे पास कविता ठाकुर, दूसरा है सुमन रावत, तीसरा है विजय कुमार, चौथा है पूजा ठाकुर. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, सुमन रावत. इनको जो है परशुराम अवार्ड से 1987 में सम्मानित किया गया एथलीट में और ये सुंदरनगर के हैं. नाउ मूविंग फर्दर, और जो पूजा ठाकुर हैं और कविता ठाकुर, इन्होंने 2014 में एशियन जो गेम्स होती है कबड्डीज़ की उसमें पार्टिसिपेट किया था और इनको जो है ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट है. नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ नोन फॉर इट्स 9 होल गोल्फ कोर्स. कौन सा जो प्लेस है हिमाचल प्रदेश का वो 9 होल गोल्फ कोर्स के लिए जो है वो जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जी हमारे पास नालदेहरा, दूसरा है खजियार, तीसरा है चायल, देन शिमला. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ नालदेहरा, शिमला के नज़दीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द स्टेट गेम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़, हिमाचल प्रदेश के जो राज्य खेल है वो कौन सा है? क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है. सो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ ऑप्शन सी, वॉलीबॉल. नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच ट्रॉफी कप was started in 1988 at Andale Ground in Shimla. 1888 में Andale Ground Shimla में कौन सा जो कप है या कौन सा जो ट्रॉफी है वो स्टार्ट हुई? पहला है दुलीप ट्रॉफी, दूसरा है वेलिंगटन कप, तीसरा है डेविस कप, चौथा है दुरंत कप. सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, दुरंत कप. एंडेल ग्राउंड में ये 1888 को जो है स्टार्ट हुई थी. नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट है, आइडेंटिफाई द हिमाचली हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन द गोल्ड मेडल इन समर ओलंपिक्स इन टोक्यो इन 1964. इसमें पूछा गया है उस हिमाचली को हमने पहचानना है जो इंडिया हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, किसमें? समर ओलंपिक्स जो हुए थे टोक्यो में 1964 को.
पहला नाम है हमारे पास दर्शन सिंह, दूसरा है चरणजीत सिंह, तीसरा है गुरबख्श सिंह और चौथा है विक्रमजीत सिंह। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, चरणजीत सिंह। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन 1993। 1993 में हिमाचल की जो यंगेस्ट गर्ल थी वो कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को जो है क्लाइम किया। पहला ऑप्शन है दीपू शर्मा, दूसरा है डिक्की डोलमा, तीसरा है सुमन रावत, चौथा है संतोष यादव। इनका इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, डिक्की डोलमा। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर इज़ हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है हमीरपुर में, दूसरा है सोलन, तीसरा है शिमला, चौथा है पालमपुर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पालमपुर। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में और हिमाचल प्रदेश में ही डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है, सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, डायरेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, नन ऑफ अबव। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जो फर्स्ट एजुकेशन डायरेक्टर थे हिमाचल प्रदेश के 1958 में वो थे KL सेठी। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर इज स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है शिमला में, दूसरा है कुल्लू, तीसरा है मंडी, चौथा है सोलन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, सोलन। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन डिड द हिमाचल प्रदेश कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कम इनटू फोर्स। हिमाचल प्रदेश का जो कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है वो फोर्स में कब आया, 1948 में, 1952 में, 1953 में, 1971 में। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1953। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, द रीजनल सेंटर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज लोकेटेड। शिमला में, धर्मशाला में, परमाणु में, मंडी में। तो जो रीजनल सेंटर ऑफ ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स है ये परमाणु में लोकेटेड है। ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, When was the Rock Climbing and Mountaineering Institute established in Manali in Kullu district? इसमें पूछा गया है रॉक क्लाइंबिंग और जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है मनाली में वो कब एस्टैब्लिश किया गया, 1961 में, 1972 में, 1988 में, 1992 में। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1961। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन हिमाचल प्रदेश नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है, पालमपुर, शिमला, धर्मशाला, नाहन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पालमपुर। पालमपुर में ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 1978 को एस्टैब्लिश की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द पर्सन हु क्रिएटेड द नेम हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल नाम है वो किसने क्रिएट किया, उनका नाम हमें बताना है। आचार्य बेनी प्रसाद वर्मा, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, वेद व्यास, YS परमार। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वॉज रस्किन बॉन्ड बर्न। जो रस्किन बॉन्ड है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी अच्छे पॉइंट है, इनका जन्म कहाँ हुआ, कसौली में, शिमला में, डलहौजी में, कुल्लू में। सो राइट आंसर इज कसौली, जो कि सोलन में है, सोलन में इनका जन्म हुआ है, कसौली में। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, हु गेव द टाइटल ऑफ पहली गांधी टू बाबा काशी राम ऑफ देहरा गोपीपुर कांगड़ा। देहरा इनके गांव का नाम है कांगड़ा में। पहली गांधी बाबा काशी राम नाम इनको किसने दिया। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी जी ने, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
पाली गांधी के नाम से इनको जो है नवाजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। निकोलस रोरिच ऑल्सो नोन एज महर्षि मेड 7,000 पेंटिंग्स ऑन हिमालयाज फ्रॉम विच कंट्री वॉज ही। इसमें पूछा गया है जो निकोलस रोरिच है इनको महर्षि के नाम से भी जानते हैं या फिर इनको बोलते हैं, इन्होंने 7,000 पेंटिंग्स हिमालयाज में बनाई, हिमालयाज पे बनाई, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग रखते हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, देन जर्मनी, देन रशिया। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी जर्मनी, सॉरी ऑप्शन डी रशिया। रशिया के थे निकोलस रोरिच। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।